मैं आपका अपना दीपू भाई बैक टू पहाड़ से, और ये आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। तो दगड़ियों, पिछला ब्लॉग आपने देखा, आई होप आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और साथ ही साथ आपको पहाड़ी भूगू की मस्ती भी अच्छी लग रही होगी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मज़ा दिलाया जाए, इंटरटेन किया जाए, मतलब हंस हंस के आप ऐसा हो जाए कि पेट दुख जाए, मतलब ये आप कहो कि ये है रियल पहाड़ी भूगू। तो एक स्टोरी के साथ मैं उसको प्ले कर रहा हूँ आगे की तरफ को, और आपका सहयोग और आपका प्यार मिलता रहेगा तो आगे बहुत अच्छा चलेगा। तो फिलहाल आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। रेडी हो गया हूँ मैं नहा धो के, और नाश्ता भी कर लिया है मैंने, तो आज निकलना है मेरे को ऑफिस। तो मैं आज देखता हूँ कैसा होता है, पैर का दर्द तो है ही, लेकिन लाठी देखते देखते जाना है ऑफिस। और भावना आज दिन भर घर में क्या करेगी वो आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस फाइनली ये निकलने लग गए हैं और बाइक बुक कर दी है। क्या काम कैसा रहता है आपका? नीचे पहुंच गए हैं, जा रहे हैं वहाँ पे। गाइज ये ऑफिस के लिए निकल गए हैं जैसे कि मैंने अभी दिखाया था, और अब मेरा चल रहा है नाश्ता, सारा काम अब हो गया है। अब इनके जाने के बाद मैं अभी नाश्ता कर रही हूँ। शिवा शिवा बोल, नीतू के घर थोड़ी देख ले, ये देखो जरा कैसे सुस्ती आ रही है आके, और ये देखो क्यानू को देखो कैसे गोवा स्टाइल में हीरो बना हुआ है। ओ गोवा जा रहे हैं क्या क्यानू? क्यानू कहाँ जा रहे हो पहले इधर बताओ, कहाँ जा रहे हो? गोवा कहाँ जा रहे हो? ओ चलो जा रहे हैं, बाय बाय कर दो, बाय 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 करो। बाय बाय वो कुछ नहीं करेगा अभी, कानू बिजी हो रखा है अपने खेलने में, और यहाँ चल रहा है तुम्हारे डॉक्टर साहब का काम है। यहाँ पर अभी हेमू के घर में, और अभी हमने व्लॉग वगैरह देखे, और उसको देखने के बाद लंच वंच किया है हमारा, और अब हो रही है यहाँ पर शिवाय की शूट की तैयारी सेकेंड मंथ की। और यहाँ पर हेमू देख रही है उसके लिए कपड़े, बहुत सारे कपड़े थे जो छोटे हो गए, एक ही महीने के अंदर बहुत सारे कपड़े छोटे हो गए, तो हेमू छाट रही है, उन्हें अलग रख रही है, और जो अभी शूट के लिए चाहिए वो निकाल रही है। और नीतू आने वाली है शूट करने के लिए, जैसे लास्ट टाइम किया था 1 मंथ का, वैसे ही कल 2 मंथ कम्प्लीट हो जाए, तो जैसे ही कल 2 मंथ कम्प्लीट होंगे तो उसका शूट आज कर लेंगे। ओ कहाँ चल रहा है? हाँ कहा हो गया ऐसे ही से रिलैक्स मिलता है, वैसे अभी रो रहा था, जैसे ही ऐसे लेटाया तो बस रिलैक्स हो गया। टमी टाइम चल रहा है बाबू का भी, शिवाय का भी। शिवाय कैसे करेंगे? डिंग 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 डिंग। यहाँ पर खेलने में लगा हुआ है शिवाय, और यहाँ हमारा चल रहा है टी टाइम, और ये इंस्टेंट वाली नमकीन बना दी है हेमू ने, बहुत टेस्टी लगती है। चंदू भैया खेल रहे हैं शिवाय, कोई इधर को देखने लग गया ना शिवाय। हाँ क्या खाना है? मैं भी तो मुंह चलमला रहा हूँ, मेरे को भी तो कैसे देख। हेमू के घर से घर पहुंच गई हूँ, और अब कुछ नाश्ते पाने की तैयारी करती हूँ। ये पहुंचने वाले होंगे घर, 6:30 होने वाले हैं, ये पहुंच गए हैं घर, पकौड़े रेडी हो गए हैं।
बहुत ध्यान से देखा जा रहा है उनको खाने के। क्या देख रही है? देख रही हूँ कैसे बने हैं पूछ। जैसे बनाए होंगे वैसे होंगे। इनको मैंने दे दिए हैं पकौड़े और अब मैं अपने लिए बनाती हूँ। और हम दो जनों के लिए एक आलू और एक प्याज से ही पकौड़े बन गए हैं क्योंकि अभी खाना भी खाना है। पकड़ियो मैंने पकौड़ी वकड़ी खा ली है और अभी भावना मैडम मेरे से पूछ रही थी कि कैसे बने हैं। अब मैं इनसे पूछता हूँ कैसे बने। बता भाई कैसे बने हैं, बता बता। एक नंबर, बहुत टेस्टी। एक नंबर ही बने होंगे क्योंकि भावना ने जो बनाए हैं और वैसे अच्छे लग रहे थे। अब ये देखो यार, मैं ड्यूटी गया था, ड्यूटी से आया और अच्छा रहा आज का दिन। थोड़ा पैर में दर्द तो था लेकिन मैंने ज़्यादा एंच नहीं दी क्योंकि लाठी में लेके गया हुआ था और ऐसे ही अभी ड्यूटी जाऊँगा। तो डॉक्टर ने भी कहा कि धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी पैर में। ये तो है नहीं कि एक बार में दर्द ख़त्म हो जाए या एक बार में तुम चलने लग जाओ। फिलहाल आज का दिन बेटर रहा मेरा और ऑफिस आने के बाद भावना ने गरम गरम पकौड़े खिलाए तो सेवा भी करनी चाहिए पति की, यही तो है। क्या कहते हैं, पति की सेवा करो, पति परमेश्वर होते हैं ना, करनी चाहिए ना। हाँ, तो इसी सेवा के साथ इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद। ऐसे हंसते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल बैक टू पहाड़। और आपके अपना पहाड़ी बुबू आपको कैसा लग रहा है वो भी मुझे बता दिया करें। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं और भी आपको अच्छा अच्छा दिखाऊं, उसमें बुबू की फीलिंग पूरी कराऊं कि पहाड़ी बुबू क्या क्या कर सकते हैं।